ये दो महीने से बराबर आ रहे हैं और ना कोई उत्तरदंडता करते हैं, ना किसी को काटते हैं, ना किसी को भौंकते हैं, ना किसी के ऊपर झपटते हैं। अपना स्वयं यहाँ पे जो है मंदिर में दर्शन किया और अपने सीधे चले गए। जैसा कि रामायण काल से ये जो मंदिर है, पहले मैं इसकी मान्यता बता रहा हूँ जी। रामचंद्र जी जब लंका से जीत के आए तो लोगों ने ताना मारा, कहा कि आप असली शक्ति बनते हो। कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि आप असली छत्री बनते हैं तो पत्नी दूसरे के घर में रह के आई है, उसका आप प्रत्याग करो। उस समय जो है रामचंद्र जी जो है जब लोगों के ऐसे वचन सुनते हैं ताना भरे तो उनको बैराग हो जाता है, पत्नी मोह खत्म हो जाता है। तो उन्होंने अनुज भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ाओ। उस समय माँ सीता जो है गर्भावती थी, जब यहाँ पहुँचे तो इसी रास्ते से होकर आए थे। तो यहाँ पहुँचे तो दिन मंगलवार था। लक्ष्मण जी और सीता जी विलाप करते कि माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए। तो बुधवार वाले दिन जो है सुबह भोलेनाथ ने जो है राम लक्ष्मण जी और सीता जी को दर्शन दिया कि कहा कि आगे महेश वाल्मीकि का आश्रम है जो कि आपका परिहर बिठूर में पड़ता है, वहाँ माँ सीता के लिए जो है सुरक्षित स्थान है। तो आलवाड़ में चले जाइए, शंकर जी की महिमा सोमवार को मानी जाती है। लेकिन बुधवार वाले दिन जो है दर्शन दिया था भोलेनाथ ने माँ सीता जी और लक्ष्मण जी को, और यहीं से इनको बुद्धि प्रदान हुआ था, इसीलिए इसको जो है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। सीता जी ने ये देखिए, ये शिवलिंग की किसी ने स्थापना नहीं की है, ये स्वयंभू है। अच्छा। हाँ, ये सीता जी लक्ष्मण जी ने स्वयं इन पर जल चढ़ाया है। और उसके बाद बताते हैं कि जैसे ये 17 साल जो है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर का श्रृंगार परमानंदी बाबा का हो रहा है। हम लोग जो है अचानक देखे कि कम से कम जो है 2 महीने से एक जो है बजरंगबली जो है वानर रूप में जो है प्रतिदिन श्रृंगार जब हो जाता है उसके बाद आते हैं तो पहले बाबा परशुराम का दर्शन करते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं चौराहे से होकर इसी सामने रास्ते से आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ बाबा भोलेनाथ का भी जो है श्रृंगार दर्शन करते हैं बाबा, और उसके बाद प्रसाद खाते हैं जो भी रखा रहता है उनका, और उसके बाद जो है वो अपना जो है चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा, ये 2 महीने से हो रहा है। हाँ, 2 महीने से। आप इसको क्या मानते हैं, क्योंकि ये मनुष्य इसको जो है जैसे ये देखिए साधारण जो है बहुत से प्रकार के जो है मानव रूप में आए, लेकिन नहीं, लेकिन हम इनको मानव रूप में भगवान का ही अवतार मानते बजरंग बली जी। आप क्या कहेंगे महाराज जी, जो ये घटनाक्रम हो रहा है जिस तरह से एक बानर के रूप में साधारण मनुष्य की तरह बानर तो है मरकट बंदर जी, मगर इसमें जो साक्षात वो बजरंग बली का स्वरूप, ये 2 महीने से बराबर आ रहे हैं और ना कोई उत्तरदंडता करते हैं, ना किसी को काटते हैं, ना किसी को भौंकते हैं, ना किसी के ऊपर झपटते हैं। अपना स्वयं यहाँ पे जो है मंदिर में दर्शन किया और अपने सीधे चले गए। अच्छा, ये रात में ही आते हैं या दिन में भी कभी आ जाते हैं? अब तो बराबर 2 महीने से रात्रि में आ रहे हैं। हाँ। नहीं, हम अभी 2-3 महीने पहले इसको देखा था। हाँ। तो पहले भी दिन में भी आए थे। हाँ। मगर ये दर्शन अर्शन नहीं करते थे। हाँ। अचानक अब वो बानर है, जानवर है, तो उसको जो है भगवान भोलेनाथ ने बुद्धि दे दिया, बुद्धेश्वर बाबा ने। हाँ। तो अपना आता है, किसी पे कोई प्रकार की उद्दंडता नहीं। बानर तो बानर ही जानिए कि, और उसके बाद में यहाँ अपना दर्शन करते हैं और प्रसाद खा करके और फिर सीधे चले। आप कब से देख रहे हैं ये पूरा मामला? हम ये काफी दिनों से देख रहे हैं जी। मैंने 2 महीने देख रहे हैं यहाँ पर आते हैं और भगवान प्रसाद है, हनुमान जी आते हैं, कुछ बोलते नहीं है, यहाँ उठियों के पास दंडवत करते हैं, लेते रहते हैं, उसके बाद धीरे से वहाँ जाना, फिर भगवान का वो करते हैं, परशुराम जी के लिए है, ये है और भी तमाम सब नहीं करते हैं। अच्छा, आउट आते हैं, डालो सर कूद कर निकल जाते हैं, एक बानर ऐसा है भगवान, ये भगवान की शक्ति है, भगवान भोले बाबा की महिमा है। अब क्या प्रहलाद किस रूप में आए हैं, किस रूप में दिखाई दे रहे हैं,
तो, और ये तो सत्य है कि हनुमान जी का तो मानव रूप है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बुद्धेश्वर मंदिर में पिछले करीब 2 महीने से भगवान हनुमान का रूप वानर रोजाना श्रद्धालुओं की तरह मंदिर परिसर में आते हैं। इसके बाद पहले भगवान परशुराम को दंडवत प्रणाम करते हैं, इसके बाद बाबा बुद्धेश्वर को भी प्रणाम करते हैं, इसके बाद यहां पर रखा हुआ प्रसाद ग्रहण कर वापस लौट जाते हैं। यह रोजाना प्रक्रिया जो है वो पिछले करीब 2 महीने से हो रही है, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद श्रद्धालु तरह तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे भगवान शिव के रूप में आने वाले वानर को भगवान बता रहा है। हालांकि बता दें, इस मंदिर की अपने आप में ही एक अलग मान्यता है। यहां पर सोमवार को नहीं बल्कि बुधवार को शिव भक्तों की कतार लगती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए लखनऊ से संदीप तिवारी।